पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं, ठीक है। तो इनसे मैं बस एक बात आपको कहना चाहता हूं और इनके सामने मैं कहना चाहता हूं, 30 तारीख को अगर आपने इनको MLA बना दिया, पेशन जारी नहीं करेंगे तो आप सब हमारे साथ चलिएगा, इनके घर का शीशा हम फोड़ेंगे, इनके खिलाफ आंदोलन हम करेंगे, अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन हम करेंगे आपके हक और अधिकार के लिए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। जानते हैं लोकतंत्र को ना थोड़ा हम लोग भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं। जब तक ब्याह नहीं होता है तब तक रात को 2-2 घंटा फोन पे आई लव यू, क्या खाई, मन नहीं लग रहा है। अजी भी शादी हो जाती है तो काम के लिए बाहर निकले, काम से लौटते हुए थोड़ा अपने दोस्त के पास चले गए, बैठे हुए हैं चाय पी। हम आपको कह रहे हैं कि तेलंगाना में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, मतलब हमारी सरकार आएगी तो बिजली फ्री मिलेगी, इसको कोई नहीं बदल सकता है। अगर हमने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा। अगर हम कह रहे हैं कि 500 में सिलेंडर मिलेगा तो 500 में सिलेंडर मिल रहा है, जहां हमारी सरकार है वहां 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। इसीलिए हम आप तमाम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि जो मॉडल हम कर्नाटक में लेकर के आए हैं, जो मॉडल हम राजस्थान में लेकर के आए हैं, आप लोगों को यह जानना चाहिए कि राजस्थान में 25 लाख तक का इलाज सरकार मुफ्त दे रही है और इस बार हमने ये तय किया है कि 50 लाख तक का जो चिरंजीवी योजना के तहत लोगों को इलाज मुफ्त देंगे। और खास करके मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, रे दोस्त, नेता का बेटा नेता बन जाता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो मास्टर का बेटा कम से कम मास्टर ही बन जाए, पुलिस वाले का बच्चा कम से कम पुलिस वाला ही बन जाए, दुकानदार का बेटा कम से कम दुकानदारी ही करने लगे। अगर वो अपने बाल बच्चे के बारे में सोच रहे हैं ना, अगर वो केसीआर से क्या हो रहे हैं, बिटिया नहीं केटिया, बड़ा कंफ्यूजन है भाई साहब, ये TRS से BRS, KCR से KTR, बड़ा कंफ्यूजन है। मेरा एक सीधा सा बात है कि अगर मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो अपने लिए राजनीति कर रहा है, प्रधानमंत्री का बेटा अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो अपने लिए राजनीति कर रहा है। हे मेरे देश के नौजवानों, हे मेरे तेलंगाना के नौजवानों, आप भी अपने लिए राजनीति कीजिए। और इस देश के संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबको बराबरी का हक दिया है, प्रधानमंत्री के बेटा का वोट भी एक होता है और मुख्यमंत्री